देश के वैज्ञानिक 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए कृषि की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पादप अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। पादप शोध की कृषि उत्पादन बढ़ाने में क्या भूमिका है और इसी बारे में हमारे संवाददाता उप यादव ने बात की अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक और सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च के फाउंडर एवं उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर एसके भटनागर से। केंद्र सरकार की किसान हितैषी सोच को देखते हुए देश के कृषि वैज्ञानिक 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा शोध अनुसंधान और पादप संरक्षण के जरिए किसानों की आमदनी किस तरह बढ़ाई जा सकती है, कृषि का उत्पादन किस तरह दोगुना किया जा सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च के फाउंडर और सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर एस के भटनागर। सर, सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च, ये सोसाइटी क्या है और प्लांट प्रोटेक्शन में इसका क्या योगदान है? देखिए, सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका उद्देश्य खास तौर से ये था कि हम जितने भी पादप संसाधन हैं उन पादप संसाधनों का संरक्षण, हमारे जलवायु परिवर्तनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तनों में किस प्रकार हमारा समाज योगदान दे सकता है उनके संरक्षण में, और किसानों की और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को की आय को बढ़ाने में या किस तरीके से उनको जागरूक करने में ये सोसाइटी अपना काम कर सकती है। एक छोटी सी संस्था के रूप में स्थापित ये सोसाइटी, आज लगभग 1000 इसके लाइफ मेंबर्स हैं और उसके अलावा पूरे विश्व के सभी देशों में सोसाइटी स्थापित है। और इस सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल वेजिटोस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की अगर बात करते हैं, पादप संरक्षण के जरिए किस तरह किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, कितना महत्व है पादप संरक्षण का? देखिए, पादप संरक्षण का जहाँ तक सवाल है तो जितनी भी पादप प्रजातियाँ हैं वो किसी न किसी रूप में किसानों की आय को बढ़ाने का काम करती हैं। ये जितने भी पादप प्रजातियां हैं जो खास तौर से किसान अपने खेतों में उगाते हैं या प्राकृतिक रूप में वो प्रकृति में या विभिन्न स्थानों पर उगती हैं, उनका संरक्षण एक आवश्यकता है समय की। और इन पादप प्रजातियों को हम या तो विभिन्न प्रकार की औषधि बनाने के रूप में या विभिन्न प्रकार के आय के स्रोतों के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। जलवायु परिवर्तन, तमाम तरह की एडवर्स कंडीशन को देखते हुए कम खर्चे में अधिक उत्पादन किसान किस तरह ले सकते हैं पादप संरक्षण के जरिए? देखिए, पादप संरक्षण में बहुत सारी तकनीक इस्तेमाल होती हैं, खासतौर से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो तकनीक वो इस्तेमाल करते हैं उस तकनीक में खास तौर से ऐसे पादप प्रजातियां बनाने पर जोर दिया जा रहा है जो कम पानी के अंदर या बहुत ज़्यादा लवण युक्त ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर वो उग सकती हैं। जीएम फसलों का मैटर है, किसान कंफ्यूज हमेशा रहते हैं, इसको किस तरह आपका पादप रिसर्च सोसाइटी देखती है और किस तरह किसानों को आप अपनी सलाह और एडवाइजरी देंगे? देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिनको हम जीएम क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, ये क्रॉप्स के बारे में भ्रांतियाँ हैं और इन भ्रांतियों से किसान भी रूबरू रहता है। लेकिन जहाँ तक जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों का सवाल है, इसमें जीएम क्रॉप में कुछ भी ऐसा नहीं प्रतीत होता जिससे कि किसानों को नुकसान हो, क्योंकि हम जब किसी भी क्रॉप को किसी कीड़े से या किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए उपाय करते हैं तो उसमें हम आमतौर पर पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इन हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग हमारी भूमि को भी बंजर बनाता है और साथ साथ पौधों के साथ में वो मनुष्यों के शरीर में पहुँचता है जिससे उनमें विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियाँ पैदा होती हैं। जो जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक हैं या इस क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक हैं जो जीएम क्रॉप्स पर काम कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक दरअसल केवल एक जीन के परिवर्तन मात्र से उस पौधे को उस बीमारियों से बचा लेते हैं। बीते दिनों आपने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थी, उस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने थे और क्या उसका परिणाम निकला? देखिए, सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च 1988 में हमारे द्वारा स्थापित की गई थी और 1988 से लेकर आज तक लगभग 28-29 साल के दौर में इसने विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, जिसकी एक कड़ी थी जो अभी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आपने नास कॉम्प्लेक्स में देखी। इस नास कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि हम किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके या विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट दे सकें। ऐसी एग्रीकल्चर, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ किसानों को और पूरे हिंदुस्तान को विभिन्न प्रकार की फसलों के उपयोग की भी आवश्यकता बढ़ी है। हम जितनी भी फसलें आज उगा रहे हैं वो हमारी जनसंख्या के अनुपात में कम हैं और इसीलिए ऐसा प्रयास किया गया कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी एक सतत कृषि के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएं। लगभग 300
वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया, जिसमें करीब करीब 24-25 देशों के विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ शामिल थे। इस सोसाइटी के द्वारा कुछ विशिष्ट अवार्ड्स दिए जाते हैं और उन अवार्ड्स में ख़ास तौर से बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड थे जो डॉक्टर एंटोनी हार्टमैन जर्मनी से आए थे, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सोसाइटी के द्वारा स्थापित दूसरा अवार्ड जिसको हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड कहते हैं, डॉक्टर रेनर बोरिस को दिया गया। इस तरीके से प्रोफेसर बी एम जौहरी मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर एन हिर्स थी। इस तरीके से योसी वर्दी यंग एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड डॉक्टर नोगा बशान यूएसए की उनको दिया गया। तो ये थे सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च के फाउंडर डॉक्टर एस के भटनागर, जिनका मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में कृषि वैज्ञानिकों को परंपरागत और आधुनिक कृषि के बीच न केवल सामंजस्य बैठाकर नई तकनीक को ईजाद करना है, बल्कि लैब में हो रहे अनुसंधान का फायदा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए कृषि प्रसार की भी जरूरत है। कैमरामैन संजय जैना के साथ ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।